हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मैम। बेटे आज हम बिहाई बुक की पोयम आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ेंगे। इसको कंपोज किया है फीबी कैरी ने। उन्होंने इस पोयम में बताया है कि नॉर्थलैंड की यह एक लोक कथा है पर आधारित है। उन्होंने बताया कि एक बार संत पीटर जब ईसा मसीह के संदेश पूरी दुनिया में उपदेश जो थे ईसा मसीह के उपदेश पूरी दुनिया में उनका प्रचार कर रहे थे, तो एक बार वह उनको पूरा दिन हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनको चक्कर आने लगे, मूर्छित होने लगे। एक जगह उन्होंने देखा एक गांव में कि एक बूढ़ी महिला एक झोपड़ी में खाना बना रही है। उन्होंने उससे कहा महिला से कि मेरे को अपने खाने में से एक रोटी दे दो। जब बूढ़ी महिला रोटी बनाने लगी संत पीटर के लिए, तो वह उनको देने के लिए जब होती तो रोटी उसको बहुत ज़्यादा बड़ी लगती, उसके मन में लालच आ जाता। उन्होंने इसी तरह फिर दूसरी रोटी बनाई, वो भी उनको बड़ी लगी। उन्होंने कई रोटियां बनाई, उनको सभी बड़ी लगी। उन्हें लगा कि मैं इन रोटियों को संत पीटर को नहीं दे सकती। उस बूढ़ी महिला के मन में लालच आ गया और उसने वह रोटी उठाकर रख दी, जिससे संत पीटर को बहुत उनको एकदम वह नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में आपका जन्म तो हुआ है लेकिन आपका हृदय एक मानव के समान नहीं है। और उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप एक कटफोड़वा पक्षी के रूप में, अब आपका आगे का जीवन जो था वो कटफोड़वा पक्षी के रूप में रहेगा, जो सूखे पेड़ में अपनी चोंच से छेद करके, सुराख करके सूखा भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त करता है। ठीक है बेटे, ये उस पर ही बेस्ड है पूरी पोयम। अब हम पोयम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देन थ्रो। अवे अवे, बहुत दूर, कहाँ पर? नॉर्थलैंड में। नॉर्थलैंड में बहुत दूर, जहाँ पर सर्दियों में रातें जो हैं, जो दिन हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, जिनमें पूरी रात व्यक्ति जो है वो पूरी रात सो नहीं सकता। इतनी लंबी रातें होती हैं कि व्यक्ति पूरी रात सो नहीं सकता। वेयर, जहाँ पर, दे हार्नेस ऑफ स्वीट रेंडर इन द स्लेज व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर स्कब्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लॉथ्स। वहाँ पर जब बर्फ पड़ता है, वहाँ के रहने वाले लोग या निवासी स्लेज गाड़ियों में जो तीव्र ग्रामी रेंडियर को जोड़ते हैं, और वहाँ जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं कि ऐसे लगते हैं कि जैसे वो भालू के बच्चे हों या भालू के बच्चों के समान उनके कपड़े होते हैं। जब वो पहनते हैं तो सेम ऐसी ही फीलिंग आती है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कैसे हैं, जिज्ञासापूर्ण प्रवृत्ति के हैं और जो कहानी को सुनते हैं, मैं उस कहानी को पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उस कहानी को आपको क्या करूँगा, आपको सुनाऊँगा, जिससे कि आपसे उससे कुछ शिक्षा मिल सके। वंस, एक बार, When the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know, एक बार, अच्छे संत पीटर जो इस दुनिया में रहते थे, वो ईसा मसीह के जो शिक्षाएं थी उसको पूरे संसार में, उसके
उनके ईसा मसीह के जो उपदेश थे उनकी शिक्षाओं को पूरे संसार में फैला रहे थे या उनका प्रचार कर रहे थे, जैसा कि तुम जानते हो। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, इस पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए या इस संसार में घूमते हुए, वह गांव में एक जो कुटिया थी उसके दरवाजे पर आए, वेयर आ लिटिल वुमेन, जहां पर एक छोटी औरत या महिला वॉज मेकिंग केक्स, खाना बना रही थी, एंड बेकिंग, और उसको सेक रही थी, देम ऑन द हर्थ, और उसको भट्टी पर या चूल्हे पर सेक रही थी, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, एंड बीइंग फेंट, वह मूर्छित हो रहे थे विद फास्टिंग, भूख के कारण या भूख की वजह से, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और जो पूरा दिन था वो बीत चुका था, पूरे दिन बिना खाए वह मूर्छित हो रहे थे, कौन, संत पीटर। He asked her, उन्होंने उससे पूछा, for her store of cake to give him a single one, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप मुझे अपने रोटियों में से एक रोटी दे दो। So, अतः, she made a very little cake, उसने बहुत छोटी सी रोटी बनाई, बट लेकिन एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने उसको सेकने लगी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लास्ट टू गिव अवे, उसे वह देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी लगी, जब उसने वह रोटी सेकी तो उसे बहुत बड़ी लगी, उसने सोचा कि यह रोटी देने के लिए नहीं है, देयरफॉर शी needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब उस बूढ़ी औरत ने एक बहुत छोटी रोटी बनाई, अब उसको ये लगा, उसने एक और जो दूसरी रोटी बनाई उसको पहले वाली रोटी से, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, पहले वाली रोटी से और थोड़ी छोटी रोटी बनाई, लेकिन देखने में जब उसने उसको बनाया तो उसको देखने में वह भी बड़ी लगी कि यह तो पहले वाली रोटी की जितनी ही बड़ी है, इसलिए उसने उस रोटी को भी देने का मन बना लिया कि वह उस रोटी को भी नहीं देगी, ना देने का मन बना लिया। देन तब शी टुक a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उस बूढ़ी औरत ने आटे का बहुत ही छोटा सा क्या लिया, डग, पेड़ा लिया, छोटा सा पेड़ा लिया, और अब उसको इतना पतला बेला कि उसे बहुत पतला बेला, लेकिन जब उसने उस रोटी को, पतली सी रोटी को जब सेका तो उसे, उसने वो रोटी भी संत को नहीं दी, क्योंकि उसे वह भी अब बड़ी लग रही थी, उसने वो रोटी भी संत पीटर को नहीं दी। फोर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर या टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने कहा जब मैं अपनी बनाई हुई रोटियों को खाती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, तो मुझे यह बहुत छोटी लगती है, और फिर भी मैं, वे इतनी बड़ी होती हैं, मैं अपने लिए तो बड़ी रोटी बनाती हूँ लेकिन वो छोटी होती हैं, और अब मैंने भिक्षा में देने के लिए बना रही हूँ तो यह बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इन रोटियों को भिक्षा में नहीं दे सकती हूँ। उसने उन रोटियों को संभाल कर सेल्फ में या अलमारी में रख लिया।
देन गुड संत पीटर ग्रो एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब जो अच्छे संत पीटर थे उनको गुस्सा आ गया क्योंकि वह भूख के वजह से वह मूर्छित हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमैन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत। अब वह महिला जो थी वो संत को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। निश्चित रूप से ऐसी महिला संत को नाराज करने के लिए काफी थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप फ्रॉम कीप योर वार्म। अब पीटर संत ने उन्हें कहा अब तुम्हें अन्य पक्षियों की तरह यू एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश कि तुम तो बहुत ज्यादा क्या हो सेल्फिश हो। तुम्हें यू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म तुम मानव शरीर में तो हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। एक मानव को जैसे हृदय होना चाहिए दयालु हृदय का तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर तुम्हें खाने के और एक जगह रहने का स्थान की कोई जरूरत नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म और तुम्हें अब कहाँ की जरूरत है और तुम्हें सेकने के लिए भी मतलब गर्माहट पाने के लिए भी आग की जरूरत नहीं है। तुम मानव के रूप में हृदय रहित महिला हो। नाउ अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड। हार्ड ड्राई वुड, वुड मीन्स जंगल या लकड़ी। वुड जंगल के लिए आता है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब तुम्हें संत पीटर ने कहा कि अब तुम्हें दूसरे पक्षियों के समान ही अपना जीवन जीना पड़ेगा और सूखे जो पेड़ हैं उन पे तुम पूरा दिन बहुत कठिन परिश्रम करोगी और सूखे पेड़ में अपनी चोंच से उसमें सुराख करके क्या करोगे तब अपना भोजन प्राप्त करोगी, सूखा भोजन प्राप्त करोगी बहुत कठिनाइयों के बाद। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top floor a woodpecker, for she was changed to a bird. Up she went through a chimney. वह चिमनी से बाहर निकल गई, never speaking a word, बिना कुछ शब्द कहते हुए वह महिला, बूढ़ी महिला जो थी वह चिमनी से बाहर निकल गई और बिना कुछ शब्द कहते हुए। अब वो क्या बन गई थी उन्होंने, क्योंकि जो संत पीटर थे उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि तुम एक महिला एक इंसान के रूप में तो तुम्हें ना तो खाने का अधिकार है और ना किसी जगह रहने का अधिकार है किसी घर में। तो अब उसको उन्होंने कहा कि तुम वो चिमनी से बाहर निकल गई बिना कुछ कहते हुए और चिमनी से बाहर निकलकर वह उसके बुर्ज पर कट फोड़वा पक्षी वो बन गई। She had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। उस महिला के या औरत के सर पर जो लाल टोपी थी वो तो ऐसे ही कटफोड़वा के सर पर अभी ऐसी ही लाल टोपी है बनी हुई है। वह तो ऐसी लाल टोपी बनी रही लेकिन जब वह उस चिमनी से बाहर निकली थी तो उसके शरीर पर जितने भी कपड़े थे वो जलकर कोयले के समान काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और जो गांव के स्कूल के लड़के हैं वो जंगल में उस कड़वे कट फोड़वे पक्षी को देखते हैं
आज भी वह जंगल में पेड़ों में विकट फोड़ हुए पक्षी रहते हैं और उनमें सुराख बनाकर सूखे पेड़ों में सुराख अपनी चोंच से सुराख बनाते हैं, अतः वो सूखा भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटे, आया समझ में? फीबी कैडी इसके कंपोजर हैं, उन्होंने लिखा है।